टेक बुलेटिन के नए एपिसोड के साथ में एक बार फिर से हाजिर हैं आज की कुछ कमाल टेक अपडेट्स लेकर। तो बस जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो एपिसोड ही करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स के मार्केट के बारे में। 5G स्मार्टफोन का मार्केट इस वक्त दुनिया में किस तरह से ग्रो कर रहा है, कौन सी कंपनी बाजी मार रही है, बताते हैं। 2022 फरवरी यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की ही अगर बात करें तो सैमसंग ने इस समय दुनिया भर में 5G स्मार्टफोन की सेल में बाजी मार ली है। एक दो नहीं बल्कि पांच पांच स्मार्टफोन है जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। इसमें S21 सीरीज के दो फोन है, बाकी के तीन फोन दोस्तों एंड्रॉइड जो गैलेक्सी A सीरीज है सैमसंग की, उसके तीन फोन इसमें शामिल है। सबसे अगर टॉप की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन्स दुनिया भर में सेल हुए हैं 5G में, उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G शामिल है और 67% के आसपास एंड्रॉइड फोन्स का इस समय मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, यानी कि एंड्रॉइड अभी भी विजेता घोषित हुआ है। इसके बाद अगली खबर आ रही है थोड़ी सी आपको मायूस करने वाली। एयरटेल ने अभी कुछ दिन पहले ही अमेजॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा था उसको एक साल से घटा के 6 महीने कर दिया। अब एयरटेल को फॉलो करते हुए वोडाफोन आइडिया ने भी अपने कस्टमर्स को झटका दिया है। अपने पोस्टपेड प्लान में जहां पर कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस का एक साल का सब्सक्रिप्शन वोडाफोन आइडिया दे रहा था, अब उसे घटा के उसने भी कम कर दिया है। 6 महीने का वहां पर भी आपको मिलेगा। अब बचती है सिर्फ जियो। जियो ने अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है और ना ही अभी कोई इस तरह की डिटेल निकल के आ रही है। देखते हैं, शायद दोनों कंपनियों को फॉलो करते हुए रिलायंस जियो भी ऐसा कुछ कदम उठा ले। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि एयरटेल से आ रहा है। 5G नेटवर्क को लॉन्च करने से पहले कंपनियां पूरी तरीके से तैयारी कर लेना चाहती हैं कि 5G से जो जो वो कुछ कर सकें इंडिया में वो सब कुछ वो कर गुजरें। इसी का नतीजा है कि एयरटेल ने सिस्को के साथ और अपोलो हॉस्पिटल के साथ में डील की है ताकि वो 5G इनेबल्ड एम्बुलेंस को तैयार कर सकें। जब 5G नेटवर्क इंडिया में मौजूद होगा तो 5G इनेबल्ड एम्बुलेंस बहुत सारी चीजों में मदद कर सकेगी। पेशेंट्स को लाइव मॉनिटरिंग किया जा सकेगा, कहीं से भी बैठकर दुनिया के किसी कोने से भी कोई भी जो प्रैक्टिशनिस्ट होगा, डॉक्टर होंगे, वो वहां से उसे हैंडल कर सकेंगे। बहुत सारी चीजों में मदद की जा सकेगी। अब देखते हैं दोस्तों ये एम्बुलेंस किस तरह से इक्विप्ड की जाती है और कैसे इनके फायदे निकल के आते हैं। अगला अपडेट गूगल से आ रहा है। गूगल पिक्सल वॉच को लेकर हम कई महीनों से बात कर रहे हैं लेकिन कुछ ठोस निकल के अब तक नहीं आ रहा था। आज डिटेल निकल के आई है कि ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर इस स्मार्ट वॉच को स्पॉट किया गया है, जिसमें कि ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलने वाला है कनेक्टिविटी के लिए। साथ में VR OS शायद 3.0 इसमें मिलेगा। बाकी इसकी डिजाइन की बात करें तो सर्कुलर डायल अभी तक सामने आया है, रेंडर्स में बहुत सारे रेंडर हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग डिफरेंट मॉडल साइज के हिसाब से शायद आ सकते हैं। कलर वेरिएंट के अभी बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखते हैं दोस्तों कब तक स्मार्ट वॉच मार्केट में उतरती है। अगले अपडेट में एक बार फिर से सुर्खियों में है इलॉन मस्क। वैसे तो पिछला पूरा हफ्ता इलॉन मस्क ने लूट ही लिया है क्योंकि ट्विटर को उन्होंने एक्वायर किया बड़ी भारी भरकम रकम के साथ। लेकिन अब ट्विटर पे जिस तरह से अपने बातचीत की आजादी को लेकर बात चल रही है तो लगता है इलॉन मस्क अपनी आजादी पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब उन्होंने एक नया ट्वीट करके एक नई जंग छेड़ दी है। कोका कोला को वो खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो कोकीन है उसको वापस लाया जाए। अब क्या ये उनका दिमाग का फितूर है या कंपनी को इन्वेस्ट करने के बाद जैसे एक नशा जा हो जाता है आदमी को, तो उस तरह का कुछ नशा उनके दिमाग को चढ़ा हुआ है दोस्तों, नहीं पता। देखते हैं क्या निकल के आते हैं और इस ट्वीट पे कैसे लोगों के रिएक्शन आते हैं। अगला अपडेट मोटो से है। मोटो H30 आज यूरोपियन मार्केट में कंपनी ने उतार दिया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट के साथ में इस फोन को उतारा है। ट्रिपल रियर कैमरा 50 MP के सेंसर के साथ 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले है 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड्रॉइड 12 आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। अगर यूरोपियन मार्केट की प्राइस की बात करें तो इंडियन करेंसी में तकरीबन 36,500 के आसपास इसकी प्राइस कंपनी ने रखी है। अभी इंडियन मार्केट में कब तक आता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट में एक और फोन है जो कि जल्दी ही आने वाला है, Xiaomi का 12 Lite 5G। ये फोन स्पॉट हो गया है और इस फोन के अंदर भी अभी जो मोटरोला के H30 में बताया था प्रोसेसर, सेम वही प्रोसेसर इस फोन में भी Xiaomi देने जा रहा है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 778G+ चिपसेट मिलेगा। 108 MP का प्राइमरी सेंसर इस फोन में बताया जा रहा है। हैंड्स ऑन वीडियो और इमेजेस आज आ चुकी हैं जिससे कि डिजाइन वगैरह भी अब सामने आ गई है। 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले इसमें भी दी जा रही है जिसका शायद 120Hz के आसपास रिफ्रेश रेट रहने वाला है। कैमरे के हिसाब से फोन ये
थोड़ा परफेक्ट होगा, एंड्रॉइड 12 इस फोन में भी मिलेगा। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, डेट का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये थे कुछ आज के टेक बुलेटिन में अपडेट्स, कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।